मित्रों आइए सुनते हैं रामायण का एक अद्भुत प्रसंग, भगवान राम ने दिया हनुमान जी को मृत्यु दंड। मित्रों हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। मित्रों एक दिन की बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ठ गुरुजन एवं देवतागण मौजूद थे। चर्चा का विषय था कि राम से ज़्यादा शक्तिशाली राम का नाम है। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज़्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। मित्रों जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सब ऋषि मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों ना करूं? नारद मुनि ने जवाब दिया, पहले वो राजा हुआ करते थे इसलिए उन्हें ऋषियों मत गिनो। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने सबको नमस्कार किया लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को आपको मृत्युदंड देना होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे इसलिए उन्होंने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। तो हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें। हनुमान जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष बाँध तान दिया और साधारण तीर हनुमान जी का बाल भी बांका न कर सका। जब हनुमान जी पर श्री रामचंद्र जी के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब बात आगे बढ़ने लगी तो नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए कहा। तब जाकर ऋषि विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा किया। इस पर भगवान श्री राम भावुक हो उठे और अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया और उसे गले लगा लिया। मित्रों देव ऋषि नाथ जी ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है।